नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है समस्तीपुर से यशवंतपुर तक चलने वाली समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन। ये जो ट्रेन है 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है समस्तीपुर से यशवंतपुर तक चलने वाली समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन। ये जो ट्रेन है 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और 30 जून तक चलेगी। इसका ट्रेन नंबर है 06580 और ये जो ट्रेन है 51 घंटे 50 मिनट में समस्तीपुर जंक्शन बिहार से यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर की दूरी जो है कवर करेगी और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं। 2835 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। बात करें इसके चलने के बारे में तो ये जो ट्रेन है 26 अप्रैल से चलेगी। हर सोमवार को ये समस्तीपुर जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन के लिए रवाना होगी। कोविड रिजर्व ट्रेन है तो आपको सभी कुछ इसमें जो है रिजर्वेशन करवा के जाना पड़ेगा और इसकी रिजर्वेशन जो है खुल चुकी है। आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया वो होगा समस्तीपुर जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन तक का कोचेस वाइज। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। जनरल क्लास में भी आपको रिजर्वेशन करा के जाना पड़ेगा अभी। तो इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी के कोच हैं जिसका समस्तीपुर से यशवंतपुर तक का जो टोटल किराया वो है 3,910 रुपये, जिसमें 3,671 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। GST चार्ज जो है वो 187 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 3,910 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो समस्तीपुर जंक्शन बिहार से यशवंतपुर जंक्शन तक का टोटल किराया वो है 2,740 रुपये, जिसमें 2,570 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है। GST चार्ज जो है वो 131 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 1,085 रुपये, जो कि है समस्तीपुर जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन तक का, जिसमें 1,063 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है और टोटल अमाउंट जो है वो है 1,085 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। बाकी सेकंड क्लास जिसे सेकंड सिटिंग भी कहते हैं, जनरल अनरिजर्व डिब्बों में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि कोविड रिजर्व ट्रेन है। समस्तीपुर जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन तक का जो टोटल किराया है जनरल अनरिजर्व डिब्बों का रिजर्वेशन के साथ वो है 585 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाके या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं समस्तीपुर जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर तक। ये जो ट्रेन है समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन बिहार से हर सोमवार को दोपहर के 2:30 पे चलेगी और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं। 51 घंटे 50 मिनट में ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर तक की दूरी कवर करेगी। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है मुजफ्फरपुर जंक्शन। यहाँ पर दोपहर के 3:30 पे पहुँचेगी और 3:35 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। तकरीबन 52 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। हाजीपुर जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 4:30 पर पहुँचेगी और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 105 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है HGP JP। हाजीपुर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पटना बिहार के दानापुर जंक्शन में पहुंचेगी शाम के 6:00 और 6:10 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 132 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। दानापुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है DNR। इसके बाद दानापुर जंक्शन बिहार के बाद ये ट्रेन जो है बिहार के आखिरी स्टेशन आरा जंक्शन में पहुंचेगी जिसका स्टेशन कोड है आरा। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 6:40 के करीब पहुंचेगी और 6:41 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। यहाँ पर समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 172 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेशन है, यहाँ पर रात के 9:14 पे पहुंचेगी और 9:24 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका स्टेशन कोड है DDU। इसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद चियोकी जंक्शन या प्रयागराज चियोकी जंक्शन में रात के 11:40 पे पहुंचेगी और 11:45 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 477 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है PCOI।
यहाँ पर संघमित्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज चौकी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में एंटर करेगी। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन सतना जंक्शन में रात के 3 बजे पहुंचेगी और 3:10 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 647 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। सतना जंक्शन में ये ताप्ती गंगा COVID-19 स्पेशल ट्रेन और सिकंदराबाद दानापुर क्लोन स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। सतना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जंक्शन में पहुंचेगी सुबह 6 बजे और 6:10 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 837 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और मुंबई प्रयागराज एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी और जबलपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है JBP। इसके बाद यह ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन इटारसी जंक्शन में पहुंचेगी रात के सुबह के 10:35 पर और 10:45 पर सुबह वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। समस्तीपुर जंक्शन से इटारसी जंक्शन की जो दूरी है 1081 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है ET। इसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचेगी। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन नागपुर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3:55 पर पहुंचेगी और 4 बजे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1380 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी ये समस्तीपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र तक कवर कर चुकी होगी और नागपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है NGP। नागपुर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन पर पहुंचेगी। नागपुर जंक्शन के बाद समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन जो है वो महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन बलहरशाह जंक्शन में पहुंचेगी शाम के 7:55 पे और 8 बजे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1587 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। ये महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है और बलहरशाह जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है PPQ। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र से तेलंगाना में एंटर करेगी। तेलंगाना के इकलौते स्टेशन वारंगल स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 11:35 पर पहुंचेगी और 11:40 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1830 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है WL। वारंगल के बाद यशवंतपुर समस्तीपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो है वो विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचेगी रात के 3:35 पर और 3:47 पर वहां से रवाना हो जाएगी। 45 मिनट पर वहां से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है और इसका स्टेशन कोड है BZA। और समस्तीपुर से विजयवाड़ा जंक्शन की जो दूरी है 2035 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी। इसके बाद यशवंतपुर तक चलने वाली समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन जो है वो चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु में पहुंचेगी सुबह 11:30 पर और 11:55 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। 2465 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और यहाँ पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन कटपड़ी जंक्शन तमिलनाडु में पहुंचेगी रात के 11:38 पर दोपहर के 1:48 पर पहुंचेगी और 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2590 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जुलारेपट्टी जंक्शन में पहुंचेगी दोपहर के 3:25 पर 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। जुलारेपट्टी जंक्शन में इसका 5 मिनट का स्टॉप है और समस्तीपुर से यहाँ तक जो दूरी है 2678 किलोमीटर के करीब कवर कर चुकी होगी। जुलारेपट्टी जंक्शन का स्टेशन कोड है JBK और ये तमिलनाडु का आखिरी स्टेशन है और इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टेशन। जुलारेपट्टी जंक्शन तमिलनाडु के बाद ये ट्रेन जो है तमिलनाडु से कर्नाटका में एंटर करेगी और इसका जो आखिरी स्टेशन आता है समस्तीपुर यशवंतपुर फेस्टिवल जो ये समर स्पेशल ट्रेन है इसका आखिरी स्टेशन है यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर में शाम के 6:20 पर पहुंचेगी और 2832 किलोमीटर के करीब जो है समस्तीपुर से यशवंतपुर जंक्शन तक की दूरी कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ समस्तीपुर यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो या अगर सीधी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाके इंडियन रेल मुसाफिर लिख के सर्च कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ में जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।